तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज भी कई लोग डेटा फाइल ट्रांसफर करने के लिए कई ऐसे एप्लीकेशंस को सर्च करते हैं जो काफी ज्यादा फास्ट भी हो, सिक्योर भी हो। इसके पहले कौन सी एप्लीकेशंस का यूज किया जाता था डेटा फाइल ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि जेंडर है, शेयर इट है और भी कई एप्लीकेशंस है। मगर दोस्तों कई एप्लीकेशन जो चाइना मेड थी तो उनका यूज बंद हुआ है या कम से कम इनका यूज होता है। तो इनकी जगह दोस्तों दूसरी एप्लीकेशन भी मार्केट में आए जिनने अपना पैर जमाने की कोशिश की, मगर कई एप्लीकेशन नहीं चल पाई और आज भी कई लोग डेटा फाइल ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन सर्च करते रहते हैं। हो सकता है कि ये जरूरत आपकी भी हो। मगर दोस्तों इस वीडियो में अब आप समझ गए हो कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिससे आप एक नहीं कई तरह के वर्क कर सकते हैं और जो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेट भी रहेंगे और इसका यूज भी आप करते ही होंगे। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है मैक्स प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, इस एक एप्लीकेशन में ही आपके लिए कई तरह के वर्क हैं और जो आप एक एप्लीकेशन से ही कई तरह के वर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, प्लेयर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और डेटा फाइल ट्रांसफर भी काफी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं और काफी ज्यादा सिक्योर भी है। तो आप इसका यूज करके देखिए, हो सकता है कि आपके मॉल में ये इंस्टॉल हो मगर आपके लिए इसका पूरा यूज ना आता हो। तो इसमें मैं आपके लिए यही बताने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन के द्वारा डेटा या फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा फास्ट भी है, आप इसका यूज करके देखिए। अगर आपके मॉल में ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका यूज किस तरह से करना है और इसके द्वारा डेटा फाइल ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है, तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप जान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन है मैक्स प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, मैक्स प्लेयर के द्वारा आप अपना डेटा फाइल्स वगैरह को शेयर भी कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपको अर्निंग करना सीखना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, इस पर पर्टिकुलर वीडियो हम आपके लिए अलग से बना देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। वैसे जहाँ तक है ये सभी मोबाइलों में इंस्टॉल रहता है, आपको बस इसका हो सकता है यूज ना आता हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दोनों मोबाइल में मैक्स प्लेयर इंस्टॉल है। आप जैसे आप इसे डायरेक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए साइड में थ्री लाइंस जो शो होती हैं आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स शेयर का ये जो ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है दोनों में ही। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फाइल ट्रांसफर करना है, रिसीव करना है, यहाँ पर आपके लिए दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको सेंड करना है तो इस व्हाइट बटन को आपको स्वाइप अप कर देना है, यानी ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। अगर आपको रिसीव करना है तो आप देख सकते हैं सेकंड मोबाइल में जैसे कि रिसीव का ऑप्शन भी दिख रहा है, फर्स्ट में भी दिख रहा है, तो आप रिसीव के लिए आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना हो। तो हमारे लिए सेंड करना है तो हम इस व्हाइट बटन को ऊपर की तरफ स्वाइप कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे दोनों मोबाइलों में स्वाइप कर देते हैं, स्वाइप अप या डाउन, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ परमिशंस देनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड मोबाइल में हमारे लिए दो तरह की परमिशन अलाउ करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों ही अलाउ करना होगा। फर्स्ट मोबाइल में जब हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए ये ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड मोबाइल में हॉटस्पॉट का ये जो ऑप्शन है अलाउ कर दिया है, फर्स्ट भी हमारे लिए अलाउ करना होगा। इससे पहले दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर फर्स्ट मोबाइल में कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करते हैं और सेंड पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। अभी हमारे लिए अलाउ परमिशन का ऑप्शन ये जो शो हो रहा है तो यहाँ पर हम इसे अलाउ करने के बाद इसकी जो परमिशन हमारे लिए देना होगी तो सेटिंग में डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम। उसके बाद इसकी लोकेशन जो है हमारे लिए ऑन कर देना है। उसके बाद अगर ये सेकंड जो ऑप्शन एनेबल नहीं होता तो आप एक बार बैक जाकर वापस आइए, जैसे कि हम बैक गए और दोबारा से जब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं या आगे पेज पर आते हैं तो हमारे लिए दोनों ऑप्शन सामने शो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों मोबाइलों में अलाउ कर देना है जो भी परमिशन यहाँ पर हमारे लिए दे रहे हैं। अब जैसे अलाउ कर देते हैं तो हमारे मोबाइल में सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है और जिस मोबाइल से आपने सेंड फाइल के लिए जो अलाउ किया है तो यहाँ पर हमारे लिए उस मोबाइल में आपके सेकंड मोबाइल की जो सर्चिंग है उसमें आपके लिए शो होने लगेगी और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बस आपके लिए इतनी सी प्रोसेस है जो आपके लिए करना है, काफ़ी सिंपल है दोस्तों। और जैसे कि आपने पहले जेंडर है या फिर शेयर इट है, जैसे कि आप पहले पिछले कुछ एप्लीकेशन के द्वारा जो अपनी फाइल डेटा ट्रांसफ़र करते थे उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था जैसे कि डेटा शेयरिंग का, तो इस मैक्स प्लेयर के द्वारा दोस्तों आप फाइल शेयर तो कर ही सकते हैं, साथ में इसके अलावा कुछ और ऐसे काम है जो आप इस एक ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो प्ले वगैरह प्लेयर के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, और अर्निंग के लिए पर्टिकुलर वीडियो अलग बना देंगे अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं इसकी डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे यूज करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, एंड बाय।